बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स एंड ऑफिस वर्क अंडर 30,000 to 40,000। बता देता हूँ भाई, बताने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपने वीडियोस गरन नहीं चेकआउट की, लाइक यार मैंने 25,000 से लेके 1 लाख के अपर भी वीडियो की है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है या जो भी आपका बजट है, आई बटन में लिंक दे दूंगा। आई बटन में लिंक ना मिला, मेरे चैनल को क्लिक करना, प्लेलिस्ट में जाना, पीसी एंड लैपटॉप का फोल्डर होगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका बजट है, आपको वीडियोस वगैरह देखने को मिल जाएगी, तो उसको चेकआउट कर लेना यार, आपके लिए दी बेस्ट हो सकता है, प्लस मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, लाइक सबसे पहले यार मेरा इंट्रो। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन औजला, वेलकम टू दी औजला दी अनबॉक्सिंग। आपका बहुत 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 स्वागत है यार मेरे चैनल पे। अगर चैनल पे नया हो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक एंड इंस्टाग्राम पे कर लो फॉलो। लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना। स्टार्ट करते हैं, तो सीधा बात करते हैं यार नंबर फाइव की बात करते हैं। नंबर फाइव पर आता है HP नोटबुक 15। लाइक यार कई बंदों ने मुझे कमेंट किया था HP का चाहिए, डेल का लैपटॉप चाहिए, HP का लैपटॉप चाहिए, डेल का लैपटॉप चाहिए, तो मैंने कहा कि चलो एक वीडियो कर देता हूँ, तो इसीलिए ये वीडियो है, ठीक है। आपको ट्रस्टेड ब्रांड देखने को मिलेंगे, जो भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो, जैसे भी आपने करना है भाई कर सकते हो। बात करते हैं HP लैपटॉप की, तो आपको बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा सही देखने को मिल जाती है, प्लस इतने प्राइस में आपको लोडेड लैपटॉप देखने को मिल जाता है। अगर आप जाना चाहते हो इसकी, और आप जा सकते हो, ब्लैक कलर में बहुत ज़्यादा सही लगता है, प्लस आपको फास्ट चार्जर इसके साथ देखने को मिल जाता है, 6 आवर्स की बैटरी लाइफ भी इसमें देखने को मिल जाती है। प्लस पॉइंट बहुत है, अगर मैं पूरे गिनाने लग गया जो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की। डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 15.6 HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको AMD Ryzen 3 देखने को मिलता है 3200U के साथ। स्टोरेज की बात करूँ, आपको 4GB रैम मिलती है, प्लस 1TB HDD देखने को मिलती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, आपको AMD Radeon Vega 3 देखने को मिलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, आपको विंडो 10 मिलती है, प्लस आपको MS Office देखने को मिल जाता है प्री लोडेड, जो कि दी बेस्ट है, 2019 वर्जन है, ठीक है। बैटरी लाइफ की बात करूँ, आपको 6 या 7 आवर्स की बैटरी लाइफ इसमें देखने को मिल जाती है। तो प्लस पॉइंट मैंने आपको बता दिए, मेन पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया, आपको MS ऑफिस देखने को मिल जाता है। अगर आप स्टूडेंट हो, ऑफिस वर्क करना है, अगर आप टीचर्स हो, तो आपके लिए दी बेस्ट है, जितना आप यूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो। बैटरी लाइफ भी आपको ठीक देखने को मिल जाती है, प्लस इसका डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा सही है। HP ब्रांड है, लोगों ने डिमांड की थी, मैंने वीडियो कर दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। आगे बात कर लेते हैं नंबर फोर की बात करूँ। नंबर फोर पर आता है असूस की ओर से लैपटॉप, लाइक असूस वीवो बुक 14 की बात कर रहा हूँ। जो वीवो बुक की सीरीज है, दी बेस्ट आपको देखने को मिल जाती है, जो कि दी बेस्ट है, लाइक इतने प्राइस रेंज में आपको बहुत ज़्यादा सही जो लैपटॉप प्रोवाइड कर देता है असूस। आपको इसमें यार SSD देखने को मिलती है, 256GB आपको SSD देखने को मिल जाती है। MS ऑफिस आपको प्री लोडेड देखने को मिल जाता है, 6 आवर्स की आपको बैटरी लाइफ भी देखने को मिल जाती है। दी बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपने जाना है इसी की ओर जा सकते हो, आपके लिए दी बेस्ट है। बट कई बंदे होते हैं जो असूस ब्रांड नहीं लेना चाहते, HP Dell या Lenovo ये लैपटॉप लेना चाहते हैं, तो आगे आपको भी बता देता हूँ। अभी बात करते हैं असूस लैपटॉप की मेन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो डिस्प्ले की बात करूँ, तो आपको 14-inch डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले साइज़ थोड़ा सा छोटा है, बट मैनेज कर लेना यार, आपको पूरा लोडेड मिलता है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको AMD Ryzen 3 देखने को मिलता है 3250U के साथ। स्टोरेज की बात करूँ, आपको 4GB रैम मिलती है, प्लस आप अपग्रेड भी कर सकते हो, प्लस 256GB आपको SSD देखने को मिलती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, आपको AMD Radeon R3 देखने को मिलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, आपको विंडो 10 मिलती है, प्लस MS ऑफिस आपको प्री लोडेड देखने को मिल जाता है। बैटरी लाइफ की बात करूँ, आपको 6 या 7 आवर्स की बैटरी लाइफ इसमें भी देखने को मिल जाती है। सबसे पहले बात करते हैं SSD कार्ड की। कई बंदों को नहीं पता होगा कि SSD का बेनिफिट क्या होता है। SSD का बेनिफिट भाई ये होता है, अगर आपने डाटा वगैरह ट्रांसफ़र करना है अपने लैपटॉप में से किसी और चीज़ में से, या किसी और चीज़ में से अपने लैपटॉप में, तो वो जल्दी हो जाता है, एज कंपैरिजन किया जाए HDD के साथ, जो कि प्लस पॉइंट है, ठीक है। प्लस आपको MS ऑफिस देखने को मिल जाता है प्री लोडेड, 2019 वर्जन है आई थिंक। तो अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप टीचर्स हो, अगर आपने ऑफिस वर्क के लिए लेना है लैपटॉप, तो आपके लिए दी बेस्ट है, आप जा सकते हो असूस ब्रांड की ओर। आगे बात कर लेते हैं नंबर थ्री की बात करूँ। नंबर थ्री पर आता है लिनोवो की ओर से लैपटॉप, लाइक लिनोवो V14 की बात कर रहा हूँ। अभी कई बंदे होते हैं जिनको लिनोवो का लैपटॉप चाहिए, उनके लिए ये बता रहा हूँ। एक लैपटॉप आगे भी बताऊँगा, वीडियो पूरा देखना, 2 लैपटॉप बताऊँगा इस वीडियो में लिनोवो की ओर से।
अभी इस लैपटॉप की बात करें तो आपको बैक साइड में लिनोवो का जो टैग है वो बहुत ज़्यादा सही देखने को मिल जाता है। सिल्वर कलर में बहुत ज़्यादा सही लगता है। अगर आप लेना चाहते हो उसी कलर में लेना, आपके लिए दी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। प्लस आपको 5.5 आवर्स की बैटरी लाइफ इसमें देखने को मिल जाती है। माइनस पॉइंट सिर्फ इसका बस इतना क्या है कि आपको 14-inch स्क्रीन देखने को मिलती है, और कोई इसका माइनस पॉइंट नहीं है। बात कर लेते हैं मैं स्पेसिफिकेशन की, तो डिस्प्ले की बात करूं आपको 14-inch फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूं आपको AMD Ryzen 3 देखने को मिलता है 3250U के साथ। स्टोरेज की बात करूं आपको 4GB रैम मिलती है प्लस 1TB HDD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूं आपको AMD Radeon R3 देखने को मिलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं आपको विंडो 10 मिलती है प्लस MS ऑफिस आपको देखने को मिल जाता है। बैटरी लाइफ की बात करूं आपको 6 या 7 आवर्स की बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है। डिजाइन आप खुद ने चेकआउट कर लिया, जैसे आपका दिल करता है आप कर सकते हो, बट कई लैपटॉप होंगे जो अभी अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। बट सेल लगने वाली है, उसको चेकआउट कर लेना, देखते रहना, जो भी आपने लैपटॉप लेना उसको चेकआउट करते रहना, आपको मिल जाएगा, नॉर्मली सस्ते में ही मिल जाएगा और भी सस्ता हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं नंबर टू की बात करूं। नंबर टू पर यार फिर से आ गया लिनोवो की ओर से लैपटॉप। लाइक ये भी लैपटॉप आपको पूरा लोडेड मिल जाता है, ठीक है। लिनोवो ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड है, लोग ट्रस्ट करते हैं। प्लस इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी है आपको दी बेस्ट देखने को मिल जाती है। पूरा लोडेड है, बट जितना भी आप काम करना चाहते हो, अगर आप स्टूडेंट्स हो, अगर आपने ऑफिस वर्क के लिए लेना है, आप टीचर्स हो, आपके लिए दी बेस्ट है। प्लस अगर आपने हाथ में पकड़ा भी होगा, वो ऐसा टच नहीं देने वाला कि 30,000 का है या 40,000 का, ऐसे वो टच नहीं देने वाला। प्रीमियम डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। कलर ये भी ग्रे कलर में दी बेस्ट लगता है। अगर आपने लेना है तो भाई ग्रे कलर में ही लेना, आपके लिए दी बेस्ट है। बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की, तो डिस्प्ले की बात करूँ आपको 15.6-inch फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूँ आपको AMD Ryzen 3050U के साथ देखने को मिलता है। स्टोरेज की बात करूँ आपको 4GB रैम मिलती है प्लस 1TB आपको HDD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ आपको AMD Radeon ग्राफिक देखने को मिल जाते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ आपको विंडो 10 मिलती है प्लस आपको MS ऑफिस प्री इंस्टॉल इसमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। 2090 वर्जन जो कि आपके लिए सही है यार। बैटरी लाइफ की बात करूँ आपको 6 या 7 आवर्स की बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है। इसका प्लस पॉइंट एक और निकल कर आता है कि आपको 180 डिग्री पूरा खुल जाता है लैपटॉप, जो कि इसका लुक वो बहुत ज़्यादा सही देखने को मिलता है। अगर आपने जाना है लिनोवो की ओर, आपके लिए दी बेस्ट चॉइस हो सकती है। यार मैं एक बात कहना चाहता था, एक बंदे ने कमेंट किया था कि मैं प्राइस एंड मॉडल नंबर नहीं बताता, बिकॉज यार मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होते हैं। मैं बार बार वीडियो में कहता हूँ कि उनको चेकआउट कर लेना, क्लिकआउट कर लेना, आपको मॉडल नंबर प्राइस वगैरह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मेरा काम होता है मेन स्पेसिफिकेशन बताना एंड लैपटॉप के बारे में बताना कि किन लोगों के लिए हैं, किन लोगों के लिए नहीं है। आप मॉडल नंबर एंड प्राइस वगैरह खुद भी चेकआउट कर लिया करो, लिंक आपको नीचे मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करते हैं। नंबर वन पर आता है Acer Aspire 3। मुझे ये लैपटॉप बहुत ज़्यादा पसंद है इस प्राइस रेंज में, जो कि दी बेस्ट है। आपको डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सही देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले बहुत ज़्यादा सही देखने को मिल जाता है, बैटरी लाइफ भी बहुत सही है। प्लस आपको इसमें SSD कार्ड देखने को मिलता है। प्लस पॉइंट इसका ये है यार, अगर आपने इसके कलर चेकआउट नहीं किए तो चेकआउट कर लेना, आपको पूरे जो कलर है वो बहुत ज़्यादा सही देखने को मिल जाते हैं इस लैपटॉप के। इसका प्लस पॉइंट है, मुझे इसके कलर वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, चेकआउट कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की, तो डिस्प्ले की बात करूं आपको 15.6-inch फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूं आपको i3 8th जनरेशन के साथ देखने को मिलता है। स्टोरेज की बात करूं आपको 4GB रैम मिलती है प्लस 256GB आपको SSD कार्ड देखने को मिलता है। ग्राफिक कार्ड की बात करूं आपको इंटेल UHD ग्राफिक देखने को मिलता है 620 के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं आपको विंडो 10 मिलती है। बैटरी लाइफ की बात करूं आपको 7 या 8 आवर्स की बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है। लाइक यार मिनिमम आपको 7 आवर्स बैटरी लाइफ इसमें देखने को मिल जाती है। अगर आप जाना चाहते हो इसकी और जा सकते हो, आपको पूरा लोडेड मिल जाता है। प्रोसेसर भी ठीक है, ग्राफिक कार्ड भी सही है, प्लस आपको जो रैम मिलती है वो भी ठीक है, प्लस आपको SSD देखने को मिल जाती है। डिज़ाइन इसका सबसे अच्छा है, प्लस इसके जो कलर्स आते हैं वो और भी ज़्यादा सही हैं। कलर वगैरह इनके चेकआउट कर लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अभी यार मैंने आपको 5 लैपटॉप बता दिए जो कि इस मंथ के दी बेस्ट लैपटॉप आपको देखने को मिल जाते हैं। जो भी आपको लैपटॉप सही लगता है भाई, आप उसकी ओर जा सकते हो, आपके लिए दी बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर यार आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक एंड इंस्टाग्राम पे कर ले फॉलो। लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना। तो अभी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू।